hello student welcome back to my channel today's class we are going to discuss chapter number 1 instrument from paper 1 applied electronics which carry the weightage of 15% so as per the weightage it's very small chapter the following topics we are going to cover in this chapter the first cathode ray tube in short called as crt cathode ray oscilloscope called as cro फंक्शन जनरेटर एंड फोर्थ वन इज द डिजिटल मल्टीमीटर कॉल्ड एज डीएमएम। बट एज पर द डिलेटेड सिलेबस दिस डिजिटल मल्टीमीटर इज नॉट द पार्ट ऑफ द एग्जाम ये तीन टॉपिक हमें अच्छे से स्टडी करने हैं चैप्टर नंबर वन में इंस्ट्रूमेंट में तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी सिग्नल को स्टडी करना है तो आप लोगों को उसकी क्वांटिटी मेज़र करनी पड़ेगी वो वेवफॉर्म किस तरीके से अपना बिहेवियर चेंज कर रही है वो हमें देखना पड़ेगा तो फॉर दैट पर्पस दिस पॉलिंग डिवाइसेस प्ले वेरी मच इम्पॉर्टेंट रोल तो ये किस तरीके से आप लोगों को डिस्प्ले करके देते हैं आप लोग उसका मेज़रमेंट किस तरीके से कर सकते हो उस सिग्नल को कैस किस तरीके से मेज़र कर सकते हो इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं सो फर्स्ट चैप्टर द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इज द कैथोड रे ट्यूब ओके वाई बिकॉज नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा सी आर ओ और सी आर ओ में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है सी आर टी तो पहले सी आर टी को अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो लेट्स कम टू द फर्स्ट टॉपिक तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा कि कैथोड रे ट्यूब है क्या तो कैथोड रे ट्यूब इज द स्पेशल कंस्ट्रक्टेड वैक्यूम ट्यूब एक्ट एज अ विजुअल इंडिकेटर ऑफ इलेक्ट्रिकल वोल्टेज तो क्या बोला गया है इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब अभी वैक्यूम ट्यूब क्या है तो अर्ली डेज बिफोर डायोड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट के लिए हम लोग क्या यूज करते थे तो वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे तो कैथोड रे ट्यूब क्या कर रहा है जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक हो रही है तो आप लोगों को एक विजुअल इमेज स्क्रीन के ऊपर दिख रही है जैसा इनपुट वोल्टेज आप लोग अप्लाई कर रहे हो व्हाट एवर बी द इनपुट वोल्टेज यू गाइज आर अप्लाइंग एट द इनपुट साइड उसी इनपुट वोल्टेज की जो इमेज है वो आप लोगों को कहाँ पे दिखेंगी तो स्क्रीन ऑफ सीआरटी के ऊपर दिखेंगी तो एक चीज़ ध्यान रखिए हमेशा जब आप कोई चीज़ विजुअलाइज कर पाओगे तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर रहेंगी और आप लोगों को विजुअलाइज इमेज किसने फॉर्म करके दी तो रे ट्यूब ने फॉर्म करके दी देयर फूड द सी आर टी प्ले वेरी मच इम्पॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रॉनिक्स ओके वेयर वी यूज़ दी सी आर टी कैथोड्रे ट्यूब कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं तो सी आर ओ में यूज़ किया जाता है कैथोड्रे ऑक्सीलोस्कोप में यूज़ किया जाता है रडार में यूज़ किया जाता है एंड मनी ऑफ दी अप्लीकेशन जैसे कि पुराने टी वी जो थे आपके घर में अभी भी होंगे वहाँ पर आप लोगों का क्या यूज़ होता है तो कैथोड्रे ट्यूब यूज़ होता है तो वहाँ पे देर इज अ कलर वेरिएशन इज देयर तो उसका जो वर्किंग है थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो हम लोग पहले तो बेसिक वर्किंग देख लेते हैं कैथोड रे ट्यूब किस तरीके से वेव फॉर्म को डिस्प्ले करता है इनपुट सिग्नल को डिस्प्ले करता है ऑन द स्क्रीन सो दी आर टी कैन बी अ टू टाइप वन इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिकली डिफ्लेक्टेड सी आर टी एंड अनादर वन इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली डिफ्लेक्टेड सी आर टी सो इनवर सिलेबस

दी फर्स्ट वन इज दी इलेक्ट्रॉन गन असेंबली इज प्रेजेंट बीम डिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन असेंबली डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली भी बोला जाता है दिस वन इज योअर फ्लोरोसन स्क्रीन ग्लास एनवल जिसके अंदर ये सब कुछ सर्किट है एंड बेस ऑफ दी ट्यूब जिसके ऊपर आप लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं तो इनपुट सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं so this is the base pin where you guys are applying the input voltage and input signal and according to the input signal आप लोग जो apply कर रहे हो input side में वो आप लोगों को screen of CRT के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है और you can say that fluorescent screen के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है electron gun assembly present heater also called as a filament cathode there is a presence of control grid which play very important role

तो हीटर क्या होगा तो हीटर हीटअप heat होगा जिसको ही बोला गया है फिलामेंट फिलामेंट क्या होगा तो हीटअप होगा एंड दिस फिलामेंट इज कनेक्टेड विद दी कैथोड तो कैथोड बोला गया है तो कैथोड जब भी हम लोग बोलते हैं तो निगेटिव चार्ज हमारे सामने आता है तो जैसे ही कैथोड हीटअप होता है तो वैसे ही वो निगेटिव चार्ज आयंस को इमिट करता है क्रिएट करता है

वो इलेक्ट्रॉन को जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहा है जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जनरेट होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आर ट्राई टू डाइवर्स फ्रॉम ईच अदर मतलब एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे बिकॉज ऑफ द सेम चार्ज आर क्रिएटेड देयर एंड सेम चार्ज अपोज ईच अदर तो वो इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे कहीं पे भी जा सकते हैं सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्राई टू कम आउट फ्रॉम दिस कंट्रोल ग्रिड तो कंट्रोल ग्रिड में आपका एक होल छोटा सा होल रहता है तो कंट्रोल ग्रिड क्या है तो कंट्रोल ग्रिड एक निकेल सिलेंडर है जहाँ पे सेंटर में एक छोटा सा होल लोकेटेड है तो so, वहाँ से जो कुछ इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखो जो कंट्रोल ग्रिट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको निगेटिव पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया गया है और मैंने पहले ही बताया है तो कंट्रोल ग्रिट कैसा है तो ये एक निकेल सिलेंडर है एट दिस सेंटर देर इज़ अ स्मॉल होल तो वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलने की कोशिश करेंगे कौन से इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है बिकॉज कंट्रोल किट इट्स सेल्फ निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन खुद निगेटिव चार्ज है बच्चों और कंट्रोल ग्रिड पे भी हम लोगों ने कैसा प्रोवाइड किया है चार्ज तो निगेटिव सप्लाई प्रोवाइड किया है कंट्रोल ग्रिट का सप्लाई जितना ज़्यादा निगेटिव रहेगा उतना कम इलेक्ट्रॉन वहाँ से फ्लो हो पाएंगे बिकॉज सेम चार्ज अपोज करते हैं ओके okay. जितना आप लोग निगेटिव चार्ज कम करोगे तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हो पाएंगे तो फ्लो हो पाएंगे उस होल से बाहर जा पाएंगे ओके सो इट्स डिपेंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिपेंड अपॉन वोल्टेज अप्लाइड ऑन द कंट्रोल ग्रिड किस तरीके का वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो निगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं समझ में आया कि कंट्रोल ग्रेड क्या करता है तो आप लोगों की इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी को कंट्रोल करने का काम किसका है तो कंट्रोल ग्रेड का है कैसे कंट्रोल कर रहा है तो हम लोग उसके ऊपर कैसा वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो निगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं एज पर द निगेटिव वोल्टेज उस हिसाब से वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे फ्लो होंगे क्लियर बच्चों नेक्स्ट देखो तो नेक्स्ट क्या है आप लोगों के देर इज अ प्रेजेंस ऑफ एनोड तीन एनोड है बट एनोड बोला गया है यू you नो know, एनोड इज पॉजिटिव चार्ज तो जो भी वोल्टेज हम लोग एनोड के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो कैसा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो तीनों भी एनोड के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करने वाले हैं इतना तो श्योर है और इलेक्ट्रॉन कैसा है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है तो ये जो आप लोगों के एनोड है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है एक फोर्स क्रिएट करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आगे मूव होना है तो आगे मूव होने के लिए उसको क्या चाहिए तो उसको एक एक्सेलरेटिंग फोर्स चाहिए जो कौन प्रोवाइड कर रहा है तो एनोड प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि एनोड के ऊपर कैसा चार्ज रहता है पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतने ज़्यादा फास्टली इलेक्ट्रॉन उसके तरफ क्या होंगे अट्रैक्ट होंगे तो इसीलिए इन एनोड को क्या बोला गया एक्सेलरेटिंग एनोड ओके सो द फर्स्ट एनोड इज कॉल्ड एज अ प्री एक्सेलरेटिंग एनोड किस लिए यूज हुआ है जो भी आप लोगों के कंट्रोल ग्रिड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उसको आप लोगों को एक डिस्टेंस तक ट्रैवल कराना है कहा तक भेजना है तो स्क्रीन ऑफ सीआरटी के तरफ भेजना है जाने तो चाहिए ओके okay, वहां तक पहुंचने तो चाहिए तो उसके लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा एक्सेलरेट कराना पड़ेगा मूव कराना पड़ेगा फॉर दैट पर्पज यू हैव टू अप्लाई द पॉजिटिव वोल्टेज ओके पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे इसीलिए तो क्या बोला गया एनोड बोला गया है और क्या कर रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है तो वो एक्सेलरेट हो रहे हैं मूव हो रहे हैं इसलिए उसको क्या बोला गया सबसे स्टार्टिंग वाला एनोड है तो प्री एक्सेलरेटिंग एनोड बोला गया है समझ में समझ में आया बच्चों द नेक्स्ट वन इज द फोकसिंग एनोड फोकसिंग एनोड देखो प्री एक्सेलरेटिंग एनोड फोकसिंग एनोड एक्सेलरेटिंग एनोड दिस टू एनोड ज एज कम्पेर टू दिस एनोड इज कनेक्टेड टू देश पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज उसकी वजह से क्या होता है तो जैसे ही आप, आप लोगों का इलेक्ट्रॉन बीम कहाँ से कहाँ मूव होती है प्री एक्सेलरेटिंग एनोड से फोकसिंग एनोड में मूव होती है तो प्री एक्सेलरेटिंग एनोड आपने बहुत ज़्यादा हाई पॉजिटिव वोल्टेज के ऊपर कनेक्ट किया था और जैसे ही वो फोकसिंग एनोड के ऊपर आती है तो फोकसिंग एनोड उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कम पॉजिटिव वोल्टेज पे कनेक्ट हुआ है तो जो भी इलेक्ट्रॉन बीम बहुत ज्यादा मूव हो रही थी एनोड के तरफ इट विल ट्राई टू कम टूवर्ड्स ईच अदर ओके तो खुद को क्या बनाती है इलेक्ट्रॉन बीम तो फोकस करती है ओके okay, शार्प इलेक्ट्रॉन बीम प्रोवाइड करता है कौन सा एनोड तो फोकसिंग एनोड हमें एक शार्प बीम प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन की क्यों क्योंकि हमने उसको एक लो पॉजिटिव वोल्टेज के ऊपर कनेक्ट किया है क्योंकि सडनली वो जब फोकसिंग एनोड में आता है तो उसको निगेटिविटी फील होती है एज कंपेयर टू द प्री एक्सेलरेटिंग एनोड तो वो क्या करता है पास पास में आने की कोशिश करता है वो एनोड के पास नहीं जाता है क्योंकि एनोड उसको कंपेरेटिवली एक्सेल प्री एक्सेलरेटिंग एनोड से निगेटिव लगता है तो वो पास आने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन तो जितना वो पास में आएंगे तो एक आप लोगों को शार्प फोकस बीम मिलेंगी दैट इज नथिंग बट अ फोकस इलेक्ट्रॉन बीम इज क्रिएटेड बाय विच एनोड फोकसिंग एनोड तो नाम क्या दिया गया है उस एनोड को फोकसिंग एनोड बोला गया है अभी उस फोकसिंग इलेक्ट्रॉन बीम को आगे और बढ़ाने का काम कौन करता है तो एक्सेलरेटिंग एनोड करता है तो एक्सेलरेटिंग एनोड का काम क्या है तो एक्सेलरेटिंग एनोड को भी आप लोग बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज के ऊपर कनेक्ट करते हैं तो उसका काम है जो आप लोगों की फोकस हुई इलेक्ट्रॉन बीम है उसको आगे बढ़ाए और स्क्रीन के तरफ लेके जाए तो ये है आप लोगों की इलेक्ट्रॉन गन असेंबली। सो ब्लॉक्स आर इज द हीटर एंड इज कंट्रोल ग्रिड एंड थ्री टाइप्स ऑफ एनोड्स आर देयर प्री एक्सेलरेटिंग एनोड फोकसिंग एनोड एंड एनोड क्लियर है बच्चों तो ये जो पोर्शन हो गया वो क्या था तो इलेक्ट्रॉन गन असेंबली था तो देखो, deflection plate assembly का काम क्या है यहाँ पे? Suppose, deflection plate assembly नहीं होती थी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बीम असेंबली रहती थी और फ्लोरोसेंट स्क्रीन रहती थी तो आप लोगों ने क्या कर दिया तो इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस कर दिया और उसको एक्सेलरेट कर दिया हेल्प ऑफ एनोड अभी वो स्क्रीन ऑफ सी के ऊपर हमेशा जाके सेंटर में स्ट्राइक होती थी और आप लोगों को सेंटर में ही लाइट मिलता था हमेशा क्योंकि आप लोग ना उसको ऊपर डिफ्लेक्ट कर रहे हो ना नीचे डिफ्लेक्ट कर रहे हो वो कहीं और जगह पे डिफ्लेक्ट नहीं हो पाती थी जब डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली नहीं रहती थी तो आप लोगों को एनी वेयर ऑफ द स्क्रीन के ऊपर डिफ्लेक्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी तो डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली की जरूरत पड़ी नाउ कम टू द डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली इन अ डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली देअर इज अ टू पेयर ऑफ डिफ्लेक्शन प्लेट द वन इज प्लेस हॉरिजेंटली एंड अनादर इज प्लेस वर्टिकली सो हाउ इट वर्क तो फर्स्ट पेयर ऑफ प्लेट के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोगों ने किस तरीके से रखा है तो हमने इसको रखा गया है तो वी अप्लाई द द पॉजिटिव वोल्टेज टू वन ऑफ प्लेट सपोज मैं अपर प्लेट को एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करती हूँ तो इलेक्ट्रॉन बीम किस तरीके से मूव हो रही तो इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्रेटली मूव हो रही है तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम इस टू पैरेलल प्लेट में जाती है तो वो कहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे तो इट विल मूव टूवर्ड्स अ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन प्लेट, ओके सिंपल तो हम लोगों ने क्या किया तो अब तक सपोज वी आर नॉट अप्लाइंग एनी चार्ज टू द डिफ्लेक्शन प्लेट तो आप लोगों की इलेक्ट्रॉन बीम असेंबली कैसे मूव होती थी सीधे मूव हो जाती थी स्ट्रेट लाइन मूव होती थी बट जैसे ही आप लोगों ने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया टू द वन ऑफ द डिफ्लेक्शन प्लेट तो इलेक्ट्रॉन बीम ने क्या किया तो इलेक्ट्रॉन बीम आप लोगों की मूव ही इन द अपवर्ड डायरेक्शन क्योंकि ऊपर के प्लेट को आप लोगों ने क्या अप्लाई किया है तो पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया है सपोज आप लोगों ने

ऊपर तो डिफ्लेक्ट हो सकता है एक तो नीचे डिफ्लेक्ट हो सकता है। ऊपर के प्लेट को पॉजिटिव अप्लाई करोगे तो ऊपर डिफ्लेक्ट होगा नीचे के प्लेट को अप्लाई करोगे तो नीचे डिफ्लेक्ट होगा तो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है बच्चों वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है ऊपर नीचे यू कैन से दैट वर्टिकली डिफ्लेक्ट प्लेट तो हॉरिजेंटली प्लेस की है बट डिफ्लेक्शन कैसा है इलेक्ट्रॉन का तो वर्टिकली डिफ्लेक्शन है देअर फॉर दिस प्लेट इज कॉल्ड एज अ वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट एंड सम केस इट कॉल्ड एज अ वाई प्लेट तो इसको डिनोट किया है वी वाई से क्योंकि डिफ्लेक्शन किस तरीके से हो रहा है इलेक्ट्रॉन बीम का तो वर्टिकली हो रहा है वाई डायरेक्शन में हो रहा है देअर दिस प्लेट इज कॉल्ड एज अ वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट इस तरीके से आप लोगों ने प्लेट को रखा है और एक प्लेट को इस तरीके से रखा है तो सेकेंड प्लेट को आप लोगों ने इस तरीके से कुछ तो भी रखा है तो जैसे आप लोगों का इलेक्ट्रॉन बिम नेक्स्ट प्लेट में एंटर करेगा तो इलेक्ट्रॉन बीम सपोज आप लोगों ने पॉजिटिव वोल्टेज इस पे अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन बीम किसके तरफ मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन बीम इस प्लेट की तरफ मूव करेगा यहाँ पे किया तो इस तरीके से मूव करेगा तो आप लोगों ने प्लेट को किस तरीके से रखा है तो प्लेट को वर्टिकली रखा है बट बीम कौन से डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रही है बीम डिफ्लेक्ट कर रही है एक्स डायरेक्शन में और यू कैन से दैट बीम गेट डिफ्लेक्टेड इन द दॉरीजेंटल डायरेक्शन देयरफॉर फोर दिस प्लेट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ हॉरीजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट अल्सो कॉल्ड एज अ प्लेट क्यों एक्स प्लेट बोला गया है बच्चों जैसे ही आप लोग वन ऑफ़ दिस पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज आप लोग एक प्लेट के ऊपर दे रहे हो तो बीम किस तरीके से मूव हो रही है द बीम इज मूव हॉरिजेंटली एक्स डायरेक्शन में मूव हो रही है ऐसे ऐसे मूव हो रही है तो इसीलिए आप लोगों की इस प्लेट को क्या बोला गया है हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट बोला गया है तो यहाँ पे जो नाम दिया गया है वो किससे दिया गया है तो किस तरीके से आप लोगों को इलेक्ट्रॉन गन डिफ्लेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन गन वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा है देन इट इज कॉल्ड एज अ वाई प्लेट और यू कैन से दैट वर्टिकली डिफ्लेक्ट कर रहा है इसलिए फर्स्ट प्लेट को क्या बोला गया है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट इवन दो आप लोगों ने उसको कैसे प्लेस किया है रिसेंटली प्लेस किया है बट बीम को कैसे डिफ्लेक्ट कर रहा है तो बीम को डिफ्लेक्ट कर रहा है वाई डायरेक्शन में या वर्टिकली डिफ्लेक्ट कर रहा है इसलिए उसको क्या बोला गया वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट ऑल्सो कॉल्ड एज अ वाई प्लेट यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लेस तो वर्टिकली किया गया है बट डिफ्लेक्ट कैसे कर रहा है तो हॉरीजेंटली कर रहा है एक्स डायरेक्शन में कर रहा है इसीलिए इस प्लेट को क्या नाम दिया गया है हॉरीजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट ऑल्सो कॉल्ड एज अ एक्स प्लेट क्लियर है बच्चों सो so, इन दोनों प्लेट के कम्बाइन इफेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो कहीं पे भी जाके फ्लोरोसेंट सनस्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक होगी और आप लोगों को एक विजुअल इमेज फॉर्म होगी अदरवाइज आप लोग कोई भी सप्लाई वोल्टेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हो किसके ऊपर तो डिफ्लेक्शन प्लेट के ऊपर या डिफ्लेक्शन प्लेट ही वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेंगी तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो सेंटर में जाके स्ट्राइक्ट होगी और आप लोगों को सिर्फ हमेशा जो आउटपुट मिलेगा जो भी लाइट मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा तो सेंटर में मिलेगा तो आपको इलेक्ट्रॉन बीम को कहीं और जगह पे स्ट्राइक कराना है तो उस हिसाब से यू हैव टू प्रोवाइड दी

हाई वेलॉसिटी इलेक्ट्रॉन बीम इज कम आउट फ्रॉम दी इलेक्ट्रॉन गेंबली एंड द डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली दिस इलेक्ट्रॉन बीम इज ट्रेवल विद वेरी हाई वेलॉसिटी टूवर्ड्स द स्क्रीन ऑफ सी आर टी जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन ऑफ सी आर टी के ऊपर स्ट्राइक्ट होती है इट जनरेट्स अट स्पॉट ऑन इट तो किस तरीके से वो जनरेट होता है सो so, जो अंदर के साइड रहता है स्क्रीन ऑफ सी उसके ऊपर कोटिंग रहती है तो किसकी कोटिंग रहती है तो देर इज अ प्रेजेंस ऑफ फॉसफर कोटिंग देयरफॉर फोर इट अल्सो कॉल्ड एज अ फर्स्टफर स्क्रीन क्योंकि इनर साइड में क्या रहता है तो पूरी तरीके से कोटिंग रहता है फॉस्फर का जैसे ही हाई वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन बीम फॉस्फर स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक्ट होती है सो देर इज अ So there is a chemical reaction takes place and because of this, the light spot gets generated and that is nothing but visible to us. Therefore it is called as a visible light. Okay? तो इनर साइड ऑफ द स्क्रीन ऑफ सी के ऊपर कौन से मटेरियल का कोटिंग रहता है तो फॉस्फर मटेरियल का कोटिंग रहता है ये आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जाता है ओके okay, रिमेंबर कि फॉस्फर है नॉट अ फॉस्फरस यहाँ पे गलती होती है बच्चों की तो दोनों भी ऑप्शन रहते हैं वन इज़ द फॉसफर अनादर वन इज अ फॉस्फरस तो किसकी कोटिंग रहती है बच्चों तो फॉस्फ़र की कोटिंग रहती है

सो so ऑन तो ऐसे अलग अलग टाइप है आप लोगों के फॉस्फर के भी जब हम लोग स्क्रीन ऑफ सी आर टी को पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि देयर आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ दी फॉस्फ़र एज वेल एंड अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन वी यूज द फॉसफर तो क्या करता है जैसे ही इलेक्ट्रॉन बेम उसके ऊपर स्ट्राइक्ड होती है तो देयर इज अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस जिसकी वजह से वहाँ पर लाइट स्पॉट जनरेट होता है जो हमें क्या होता है तो विजिबल होता है बट अगेन देर इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग इज देयर कि जैसे ही आप लोगों का इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक्ट हुआ तो देर इज़ अ चनरेशन ऑफ अ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एज वेल तो अभी वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ही ना रहते हुए तो यहाँ पे और एक कोटिंग रहती है तो वो रहती है एक्वेड कोटिंग सो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम आप लोगों की फॉस्फल स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक्ड होती है तो देर इज़ अ चनरेशन ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन और वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ही कलेक्टेड रहते हैं तो उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो उनको उन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने का काम किसका है तो एक्वाडा का है एंड द इज नथिंग बट द ग्राफाइट कोटिंग ये जो शेप है ये कोन है एक तरीके का तो हर एक पूरे कोन में आप लोगों का किसका कोटिंग दिया गया है तो आप लोगों का ग्राफाइट को कोटिंग दिया गया है जिसको बोला गया है एक्वाडाक तो जो भी एक्सटर्नल फील्ड है उसका कोई भी इफेक्ट आप लोगों के ये इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर नहीं होता है तो जो भी इफेक्ट हो रहा है दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ द इंटरनल वोल्टेज विच इज अप्लाइड टू द डिफ्लेक्शन प्लेट और व्हाट एवर बी दी एनोड ओके okay, तो जो भी आप लोगों का इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है जो भी आप लोगों का चेंजेस ऑब्जर्व हो इफेक्ट तो तो आप लोगों के सीआरटी के ऊपर ऑब्जर्व नहीं हो रहा है उसको इक्विलिब्रियम में रखने का काम कौन कर रहा है तो उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए कोई भी एक्सटर्नल फील्ड का इफेक्ट नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर तो उसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया है तो हम लोगों ने एक्वेडाइक एक कोटिंग यूज किया है कि जिसकी वजह से जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन बीम है वो पर्टिकुलर हमें हमारा आउटपुट दे नाउ दिस ग्लास एंड वी यूज इन केस ऑफ सी इट्स वेरी हैवी ओके एंड हाईली इवैक्यूएटेड मतलब इसके वजह से जो भी एक्सटर्नल कोई भी फील्ड है उसका इफ़ेक्ट आप लोगों का किसके ऊपर नहीं हो पाता है तो जो भी फंक्शनिंग अंदर चल रहा है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है तो उस तरीके का आप लोगों ने ग्लास एनवलप यूज़ किया है

जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है रे ट्यूब से रिलेटेड वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया है कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल